हल्द्वानी में हिंसा फैलाने वाले लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 60 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि जिन लोगों की वजह से ये दंगा फैला, यानी कि अब्दुल मलिक और उसके बेटे की तलाश अभी भी जारी है। प्रशासन द्वारा दंगा फैलाने वालों की गिरफ्तारी के लिए 12 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। आपको बताते चले कि बनभूलपुरा के अर्धसैनिक बलों की चारों ओर से टुकड़ियों की मांग की जा रही है। हल्द्वानी नगर निगम ने भी नुकसान के आकलन के लिए कमेटी बनाई है। दंगे के दौरान नगर निगम की कई गाड़ियों में लगाई गई थी आग। डायरेक्ट पॉइंट न्यूज़ के लिए अरबाज खान की रिपोर्ट।